Morning, friends. Namaste, Salaam Alaikum, Sat Sri Akal. How are you? Hope everybody is well by the grace of God. This is Jaish Shori Airlines vlog. तो डे टू डे यूरोपियन लाइफ डे टू डे यूरोपियन लाइफ के बारे में आज हम बात करेंगे. जैसे कि हम यहाँ अपने ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, कैसे शुरुआत होती है. देखो अलाउद्दीन मूवी लगी है हमारे यहाँ पर थिएटर में. तो हम जैसे कि मॉर्निंग में उठे हैं, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट यहाँ अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट होता है. ब्रेकफास्ट जैसे 2 slices of bread, ऑमलेट, ग्लास ऑफ मिल्क और जूस ऐसे. तो ये तो हो गए मॉर्निंग. फिर मॉर्निंग के बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे लेटर्स होते हैं, यहाँ पर लेटर्स बहुत आते हैं, करस्पॉन्डिंग्स बहुत होती है. यहाँ पर आपको पेपर, एक एक पेपर को बहुत संभाल के रखना पड़ता है. तो ये पार्ट मेरा पीआर से रिलेटेड है. ये पार्ट जैसे कि पीआर से रिलेटेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेटर्स यहाँ पर इतने होते हैं कि आप पूछो मत. करस्पॉन्डिंग्स यहाँ पर बहुत होता है. लेटर्स की करस्पॉन्डिंग इतनी होती है यहाँ पर कि आपका सूटकेस भर जाएगा. इतने पेपर्स रहते हैं. बैंक के पेपर होते हैं, आपके गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, आपका टैक्सेस का पेपर होता है, ये सब चीज़ें होती है. फिर आपके बिल्स आते हैं, गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल, ये सब चीज़ें बहुत बहुत मायने रखता है. इंडिया में नहीं रखता है ये सब चीज़ें मायने, लेकिन यहाँ पर बहुत मायने रखता है. आपको पेपर्स बहुत कीमती, आपके पेपर्स, ईच एंड एवरी पेपर्स आपके होने चाहिए. ईच एंड एवरी पेपर्स आपके वो समय पे काम आते हैं. जब पीआर का समय आता है तब आपको ये सब पेपर्स काम आते हैं. तो एक भी पेपर मिस हो गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है. गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं करता यहाँ पर, वो तो समझते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा तकलीफ होता है बस, और कुछ नहीं. यहाँ पर कैसा है, आप जैसे कि इंडिया में आपके पास एक पेपर नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं होगा, या बहुत हैसल होगा, या बहुत तकलीफ देंगे वो लोग, ऐसे सब चीज़ें होता है. यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट को इतना पावर है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते लोग उनको बहुत पावर होता है. तो वो लोग अपना पावर का सही यूज़ करते हैं कि एज अ ह्यूमन ठीक है, नहीं होगा या गलती हो गई होगी या घूम गया होगा, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग कर अंडरस्टैंडिंग करते हैं यहाँ पर. फिर उसके बाद आपका काम हो जाता है. लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मायने, उसकी बहुत कीमत होती है. वो एक एक पेपर की कीमत बहुत होती है क्योंकि वो जब गवर्नमेंट मांगती है आपको तो आपको ये सब पेपर देना पड़ता है. अंडरस्टैंड, ये ईच एंड एवरी पेपर्स आपको पीआर के समय में वो आपको हर पेपर मांगेंगी, हर वर्क परमिट का फोटोकॉपी मांगेंगी. तो वो फोटोकॉपी आपको देना है और फिर बाद में ओरिजिनल भी देना है. ओरिजिनल आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका आपके पासपोर्ट कॉपी पूरी फ्रॉम फर्स्ट पेज टू जितना भी 50 पेज होगा तो उतना तक का सब देना पड़ेगा. और फिर मैंने फोर व्हील ड्राइव ऑन किया तो एक एक पेपर्स को आपको संभालना बहुत ज़रूरी है. फिर आपके बिल्स के पेपर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो सब इम्पोर्टेंस होता है. यहाँ पर पोस्ट 3 times आता है. हमारे यहाँ पर पोस्ट 1 time आता है. हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में आता है, आफ्टरनून में आता है और शाम को भी आता है. शाम को 4 बजे के करीब एक पोस्ट आता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पोस्ट करस्पॉन्डिंग बहुत वैल्यू दिया गया है. पोस्ट करस्पॉन्डिंग को यहाँ पर बहुत, हमारे यहाँ पर वैल्यू नहीं, पोस्ट करस्पॉन्डिंग को वैल्यू नहीं हमारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत वैल्यू है, ये ध्यान रखना. इसलिए
ये बात मैं ये पीआर का रिलेटेड, ये जो है ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये पीआर से रिलेटेड है क्योंकि पेपर्स के बारे में मैं ये बताना चाहता था। तो और आपको अधिकार है, आपको आप P60 मांगने का, और जब आप काम छोड़ते हैं तो आपको P45 मांगना पड़ता है यहाँ पर। तो P60 आपकी बहुत वैल्यूबल चीज़ होती है कि जैसे कि आप अगर अपने माता पिता को या अपनी, अगर आपने शादी है, आपका शादी हुआ है, आपके बच्चे हैं, तो आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए ये पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे समय में ये जब मैंने अपने वाइफ और बच्चों को यहाँ पर बुलाया था तो उन्होंने मेरे से एक एक पेपर मांगा था, एक एक पेपर। तो मैंने पीआर, जब मुझको पता नहीं था पीआर ऐसे 5 साल में मिलता है, 60 मंथ में मिलता है, तो क्योंकि मैं हमेशा काम में बिजी होता था और यहाँ पर ज़्यादा इंडियंस और थे ही नहीं। तो मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने मेरे को बोला कि तुम्हारा तो इतना समय हो गया, आपने तो पीआर अप्लाई कर देना चाहिए था। तो फिर मेरे ध्यान में आया और फिर मैंने फिर गिनती शुरू कर दी, 60 महीने की गिनती शुरू करी, और वो 60 महीने की गिनती के बाद फिर मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया। तब उन्होंने ये पेपर्स मेरे से, यानी कि मैंने 8 साल बाद पीआर के लिए अप्लाई किया। तब तक वर्क परमिट पे ही, मैं वर्क परमिट ही रिन्यू कर रहा था क्योंकि पता नहीं। तो जब मैं आठ सॉरी मैं 6-7 साल का मेरा वर्क परमिट पूरा ख़त्म हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर हेल्थ बोर्ड के लिए काम करता था, मेरा बिजनेस अलग, रेस्टोरेंट अलग चलता था और मैं काम भी अलग करता था। तो मैंने मैंने बोला मैं उस जगह से अप्लाई करूँगा, तो वो क्योंकि पैसा मेरा बचता है और मेरा अधिकार भी है वहाँ से, बिजनेस तो अलग है मेरा, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। तो उन्होंने मेरे को लेटर भेजा कि यू आर इन टाइटल्ड फॉर पी आर, यू डोंट नीड ए वर्क परमिट। उन्होंने, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, आपको परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट भी, यानी ये होता है गवर्नमेंट, तो ये ऐसी बात है। इसलिए आपको आपके पेपर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी पेपर्स, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो भी संभाल के रखना है। तो मेरे को P60 मांगा गया था, मैंने 7 साल काम किया, तो मैं 7 साल का मेरे को P60 देना पड़ा मेरे को। तो मैंने, और मैंने एक जगह पे काम नहीं किया, अलग अलग जगह पे काम किया, तो वो पूरी P60 मैंने उनको दिया। तो ऐसे जाकर वो फिर मेरा मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को उन्होंने वीज़ा दिया, और फिर वो यहाँ पर आए, और उसके बाद उनका बच्चों को तो सबको यहाँ पर, तो हमको सबको पासपोर्ट मिल गया। तो ये बात है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।